जी ये बिल्कुल अपनी बातों से पलट गए हैं। 2 करोड़ तो छोड़ो, 2000 नौकरियां पैदा नहीं कर पाए हर साल में, और ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है कि जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं हर बार। जी अभी एक चैनल में हम देख रहे थे, देखो युवा बहुत जागरूक है आज का, एक चैनल में हम देख रहे थे कि एक चैनल के उसने प्रवक्ता ने उससे पूछा मोदी जी से कि जी रोजगार की बात आपने की थी, कह रहे जो आपके स्टूडियो के बाहर जो एक पकोड़े बनाने वाला वो भी तो एक रोजगार ही है, तो ये कहाँ ले जाना चाहते हैं युवाओं को कि BMA करके हम पकोड़े बेचे, ये क्या तर्क है इस चीज़ का? ये बहुत शर्म की बात है कि ऐसे पद पे रह के प्रधानमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मेरी नज़र में बहुत ही गलत है। अगर ये आगे से दोबारा ऐसी कोई बात आई तो हम तो पसंद नहीं करेंगे बिल्कुल भी ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में हो, क्योंकि आज युवा जो है स्टूडेंट वो इनकी नीतियाँ समझ चुका है, चाहे JNU हो, चाहे आपका विश्व बनारस यूनिवर्सिटी हो, सारी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने आतंक मचा दिया है। अब इनके साथ कोई स्टूडेंट साथ नहीं है, कोई युवा साथ नहीं है, इन्होंने बहुत बड़ा हमारे साथ भेदभाव किया है। युवाओं का आंदोलन इतना बड़ा चला गुजरात के अंदर, जिसका रिजल्ट आपने देखा, जो 150 सीटों की बात करते थे आज वो 2 आंकड़े में ही सिमट के रह गए। सच्चाई है युवाओं का जो दिल को छुएगा उसको वो ऊपर अपने कंधों में बिठा लेगा, लेकिन युवाओं के साथ जो गद्दारी करेगा उस नेता को वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आज जिग्नेश मेवानी की आप बात कर रहे हैं, उसमें हार्दिक पटेल भी थे और अल्पेश ठाकुर भी थे, ये सब युवा थे और कन्हैया कुमार भी है। तो जब जब युवाओं के साथ धोखा होगा वो सड़क पे निकलेगा, आंदोलन करेगा और सत्ता में भी जाके बैठेगा, जिसका बड़ा उदाहरण एक हमारा दिल्ली भी है।